गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में अध्याय 4 से संबंधित कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, जिसमें आप लोगों को बताया गया था आंकड़ा क्या है, आंकड़ा किसे कहते हैं, आंकड़ों का कलेक्शन और माध्य परिसर। ठीक है, माध्य और परिसर इन दोनों का डिफिनेशन और इसका परिभाषा बताया गया था। ठीक है, तो माध्य और परिसर का आपका डिफिनेशन और परिभाषा बता दिया गया है। अब हम लोग अध्याय 4 के तहत इस साइड 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं। तो ध्यान दें, क्वेश्चन कह रहा है अपनी कक्षा के किन में 10 विद्यार्थियों के वजन का आंकड़ा इकट्ठा कीजिए तथा इसका परिसर ज्ञान कीजिए। ठीक है, इसका क्या क्या करना है, इसका ज्ञान करना है परिसर, बता चुके हैं कल के वीडियो में परिसर और माध्य के बारे में। ठीक है, उसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले लिखने में कक्षा सातवीं की 10 विद्यार्थियों का 10 विद्यार्थियों का कक्षा सातवीं के 10 विद्यार्थियों का वजन इस प्रकार है। का वजन लिख लेंगे, का वजन निम्न प्रकार है। ठीक है, आप भी अपने अनुसार वजह लेकर के इसको भर कर सकते हैं। हमने लिखा है कि कक्षा सातवीं के 10 विद्यार्थियों का वजन निम्न प्रकार है। जैसे मान लेते हैं कि पहले विद्यार्थी का वजन रहेगा मान लीजिए 25 केजी। ठीक है, 25, 20, 27, मान लेते हैं 29, 35, 19, 37, 42, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ मानते हैं 49 और यहाँ 45। ठीक है, कितना यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी 10 ये क्या विद्यार्थियों का वजन है, अलग अलग 25 केजी सभी क्या सभी किलोग्राम होता है, यानी वजन मान लो कि वजन का नाम किया था किलोग्राम, सभी क्या सभी को किलोग्राम का वजन 25 केजी, 20 केजी, 27 केजी, 29 केजी, 35 केजी, 19 केजी, 37 केजी, 42 केजी, 50 केजी और 45 केजी। अब इनका निकलना है परिसर। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे परिसर बराबर क्या होता है, बताए थे कल के वीडियो में परिसर क्या होता है जी, तो दी गई आंकड़ा में जो सबसे उच्चतम मान होता है उसमें से सबसे न्यूनतम मान को घटाया जाता है, अर्थात जो सबसे उच्चतम परीक्षण होता है उसमें से सबसे न्यूनतम परीक्षण को घटाया जाता है। यहाँ देखेंगे कि सबसे बड़ा वजन क्या, सबसे अधिक वजन क्या है या सबसे बड़ा संख्या क्या है, क्या कर पाएंगे कि इसमें 49 जो है सबसे बड़ा है, सबसे अधिक वजन क्या है जी 49 केजी है, और सबसे कम वजन क्या है जी, तो आप आएंगे कि सबसे कम जो वजन है क्या है जी 19 केजी है, क्या है 19 केजी। तो इसका क्या है, इसका परिसर जी लिखने का उच्चतम मान, ठीक है, या उच्चतम परीक्षण, ठीक है, मान लेते हैं उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान, तो उच्चतम मान कितना है जी 49 है और न्यूनतम मान कितना है जी 19 है, कितना घटा गया तो 9 में से 9 हो गया 0, 4 में से गया 3, कितना गया जी 5 को आ गया 30। 30 क्या है जी, 30 इसका परिसर है, इसका इसका परिसर है। आप भी अपने अनुसार यहाँ कोई भी वजन रख करके आप इसका परिसर निकाल सकते हैं अपने अनुसार। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर।
क्वेश्चन अब तो आ रहा है, तो मैं कह रहा प्रथम सात पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है कि प्रथम सात पूर्ण संख्या, ठीक है, यहाँ पर पूर्ण ध्यान देंगे, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम सात पूर्ण संख्या का माध्यम ज्ञात कीजिए। तो माध्यम बताए थे कल के वीडियो में, माध्यम परिसर दोनों बताए थे। तो माध्यम क्या बताए थे कि सभी परीक्षणों का योग बटा परीक्षणों की संख्या। अब यहाँ पर प्रथम सात पूर्ण संख्या ध्यान देंगे, यहाँ पर पूर्ण, तो पूर्ण का अर्थ क्या होता है जी, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्याओं में, गिनती की संख्याओं में शून्य को शामिल कर लेने से प्राप्त संख्या समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लोग शून्य लिखेंगे, शून्य लिखेंगे सात को लिखेंगे संख्या, यानी प्रथम सात पूर्ण संख्या बराबर, प्रथम सात पूर्ण संख्या बराबर जीरो कमा एक कमा दो कमा तीन कमा चार कमा पांच कमा छ, एक दो तीन चार पांच छह सात हो गया प्रथम सात। ये संख्या क्या है, पूर्ण संख्या है। कैसे पूर्ण है, यहाँ पे शून्य दिख रहा है, तो जब गिनती की संख्या में शून्य को शामिल किया जाएगा तो ये हो जाएगा पूर्ण, ये इसमें आ जाएगा ये हो जाएगा प्राकृत, ठीक है। तो यहाँ पूछा गया पूर्ण, अब लिखेंगे माध्य बराबर, क्या होता है माध्य बराबर जी, तो सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, बटा प्रेक्षणों की संख्या ध्यान देंगे, बटा प्रेक्षणों की संख्या से भाग देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सभी प्रेक्षणों का योग कितना है, शून्य प्लस एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार प्लस पांच प्लस छ, बटा क्या लिखेंगे जी, बटा लिखेंगे सात, सात क्या लिखेंगे, क्योंकि कुल सात प्रेक्षण है, एक दो तीन चार पांच छह सात बटा सात, इसको जोड़ेंगे तो जीरो एक एक दो दो एक तीन जीरो तीन तीन छ चार दस दस पांच पंद्रह पंद्रह छ इक्कीस, इक्कीस बट्टा यानी इक्कीस आगे इसका योग कितना बटा सात है, और जाएगा सात तीन क्या इक्कीस कितना गया जी तीन, अर्थात उसका कितना माध्य गया जी तीन, इसका माध्य होगा सर, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर वन और टू एक्सरसाइज 4.1 के तहत, इसे आप लोग नोट करेंगे, ठीक है, और इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो समाप्त करते हैं वीडियो को, मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।